अल्लाह नाजरीन मैं हूँ कोमल नकवी प्रोग्राम टी टाइम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ अच्छा सबसे पहले तो आ, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी मौसम के हवाले से क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया आप देख रहे हैं पाकिस्तान में वैसे पाकिस्तान में क्या मैं सॉरी कराची की बात करूँगी कराची में वैसे सर्दी बड़ी कम पड़ती है बहुत कम होती है लेकिन अभी तो सर्दी की स्टार्टिंग है देखते हैं कि अभी ये सीनारी कहाँ तक पहुँचता है रूटीन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि सर्दियों में किस तरह से जो है वो हम सर्वाइव कर रहे होते हैं या लोग किस तरह से कर रहे होते हैं ख़ासतौर पर कराची के जो लोग हैं ना वो बड़े नाजुक मिजाज हैं उनको ना बड़ी जल्दी ठंड भी लग जाती है बड़ी जल्दी उनको गर्मी भी लग जाती है तो अभी तो सर्दी का जो है वो स्टार्टिंग है लोग इसको इन्जॉय कर रहे हैं थोड़ी कम सर्दी है लेकिन अच्छी लग रही है एंड दी एंड जाके वो ज़ाहिर सी बातें ज़्यादा होगी और उस पर पीक पे भी जाएगी बाकी जो पाकिस्तान के अदर्स एरिया हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है लेकिन कराची में इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है सर्दी लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो नेचर है वो किस तरह का है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है या बहुत मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है ठीक है बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती खैर सर्दी में क्या होता है कि हमारे खाने पीने का रूटीन भी चेंज हो जाता है हम अक्सर ऐसी ईज़ाएँ खा रहे होते हैं जो हम आम डेली रूटीन में नहीं खा रहे होते हैं लाइक फ़िश ले रहे होते हैं या सी फूड ज़्यादा हो जाता है हमारे पास और पहनने ओढ़ने का सलीका भी बड़ा चेंज हो जाता है हमारी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है जो हम डेली रूटीन में पहन रहे होते हैं वो सारी चीज़ें भी हम चेंज कर लेते हैं लाइक हम बड़े लाइट लाइट टाइप सी ड्रेसिंग करते हैं तो सर्दी में वो भी चेंज हो जाती है तो खैर एन एड ये है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं कि किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट है सर्दी में वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं कुछ लोगों को बड़ी अच्छी लगती है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं Uh, कुछ लोगों को बड़ी सर्दी पसंद होती है गर्मी पसंद होती है डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नेचर होती है इसी तरह से डिफरेंट बच्चे होते हैं डिफरेंट उनकी नेचर होती है डिफरेंट तरह की उनकी चीजें होती हैं आप सोच रहे होंगे कि कोमल इस तरह की बातें क्यों कर रही है मैं आज आपके जो मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से हम बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि बच्चों की एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है और किस तरह से होना चाहिए ठीक है तो मैं वक्त किए बगैर आपको अपने ना मेहमान से तारुफ आपका करवा देती हूँ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब लाइफ कोच हैं और सिक्स एक्स गुरु भी हैं हम जरा पूछेंगे आज इनसे कि ये सिक्स गुरु जो है इनके नाम के साथ ये कैसे लगा क्या है इसका स्टोरी ये भी मैं जानूंगी तो हमारे साथ मौजूद है इसलम साहब असलम साहब कैसे हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू कैसे हैं आप अल्लाह के

वट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये वो टॉपिक था जिस पर मैं पिछले पाँच साल से काम कर रहा हूँ अच्छा मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की बहुत ज्यादा इसके ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आखिर क्या चीज़ है जो, जिसकी जो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं मगर अक्सर लोग कामयाब नहीं होते बहुत ही कम लोग होते हैं एक परसेंट से भी कम लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं तो मैंने सक्सेस ग्रुप ने साथ इसलिए रखा कि वैसे तो अल्लाह ही जानता है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो शायद हर आदमी कामयाब हो सकता है तो कुछ सवालों के जवाब शायद मेरे पास हैं तो इसीलिए मैंने अपने आप को सक्सेस कहा अच्छा यहाँ से ना मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी मुझे ये बताएं कि आ, मैंने तो बहुत जगह ऐसा सुना भी है पढ़ा भी है कि जो आपकी कामयाबी का जो दारदार होता है ना वो आपकी किस्मत पर होता है डेस्टिनी पे होता है आपकी इस बात को कितना मानते हैं आप देखिए डेस्टनीस अल्लाह तला ने हर आदमी की किस्मत लिखी हुई है लेकिन अब देखें इसके अंदर एक चीज़ है कि आ, आ, एक दफ़ा एक हदीस भी उसका मफहूम आपको बताता हूँ के पास एक आदमी आया उसने कहा कि मेरी शादी करा दें आप के पास जबराम आए उन्होंने कहा कि इस आदमी के पास ज्यादा टाइम नहीं है यानी कि यार ये जो रात है वो आखिरी रात है आप स्लियों स्लियों ने जल्दी से उन अरेंजमेंट करा के उनकी शादी कराई और दूसरे दिन एक सहाबी को कहा कि जरा नज़र रखिएगा कि दोपहर को जब यहाँ से कोई बुरी खबर आए तो मुझे बताइएगा तो कोई बुरी खबर नहीं आई तो आप सल्लम ने फ़ैर जबराम से पूछा कि आखिर क्या हुआ इसके बारे में तो फैसला हो चुका था तो ज़बरिया ने कहा कि इस आदमी ने कल जब इसका शादी का खाना था वो भी कोई बाहर से आदमी आया इसने उसको खाना दिया और इसकी बेगम ने इसके लिए दुआ की इसकी जिंदगी के लिए देखे तकदीर अल्लाह ही लिखने वाला है अल्लाह ही पलट सकता है और दुआएं जो है अगर हमने कोई दिल से दुआ की अल्लाह को पसंद आ गई तो अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है तो

किस तरह से हम अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं तो होता जी, है, जी, लेकिन जी, हमें दफ़ा ऐसा होता है हम ये काम भी कर सकते हैं Actually, दफ़ा लोगों ना अपने ही बारे में नॉलेज नहीं होती कि जी वो खुद किस तरह से है उनका क्या नेचर है तो किस तरह से वो वे जरा मुझे बताए ना आप में भी सीक्रेट है अल्लाह फरमाते हैं बिल्कुल जो साबत थे उन्होंने पहले खड़े हुए हिम्मत की मैदान जंग के अंदर साबित कदमी शो की उसके बाद उन्होंने दुआ मांगी तो जो अल्लाह ताला ने आपको एनर्जी दी है एफर्ट जरूर करें आपके एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपके एफर्ट में कमी है तो खुद भी इंसान को पता होता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया बेस्ट वर्जन पेश नहीं किया इससे बेहतर मैं कर सकता था जो एनमीज ऑफ सक्सेस हैं जो मैंने महसूस किया है सबसे बड़ा एनमीज ऑफ सक्सेस तो यह कि हम कम्फर्ट जोन के आती हैं बिल्कुल हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि जो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है यार तकलीफ ना हो जिसम को तकलीफ ना हो कौन निकले गर्मी के अंदर कौन इतना मार्केटिंग करे कौन क्या करे इवन इबादत में भी हम लोग चोरी करते हैं तो हम कंफर्ट जोन के आदि हो गए दूसरा जो एनिमी ऑफ सक्सेस वो ये है

वो ये समझते कि अब मैं नहीं कर सकता okay. उसके बाद से वो कर और आपके माइंड ये सारे के सारा जो गेम mind. hmm. आपका. आपका hmm. तो अगर आप अगर आपने दिमागी गिव अप कर, hmm. कर दिया तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते hmm. तो इस, इसके अंदर फिजिकली देखें कुछ एनर्जीज मैंने किसी और प्रोग्राम में भी कहा था ये एनर्जीज अगर आप मैनेज कर लें hmm. फिजिकल एनर्जीज होती हैं कुछ मेंटल एनर्जीज होती हैं इमोशनल एनर्जीज होती हैं स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं ये वो एनर्जीज हैं अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लें आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता फर्दर अगर आप बोलें तो मैं और डिफाइन कर देता हूँ कि फिजिकल <laughs> एनर्जी से देखिए जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें डिफाइन करना पड़ता है और हम नहीं करते हैं अच्छा अभी हम बात कर रहे थे जरा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बच्चों की से, से की तरफ बात करते हैं हम अच्छा असम साहब मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे हमारे पास बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको हमें पुश करना पड़ता है पढ़ने के लिए जी जी हालांकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको हमें पुश करना पड़ता है इसका क्या सुनहरी जरा मुझे बताए हम असल बेसिकलीस्टम है, है। अच्छा, और सिस्टम वही है अब क्योंकि हम लोग क्विक के हो गए हमारे बच्चे भी कहते हैं कि हम उंगली दबाएं तो रिजल्ट फौरन आ जाए जैसे कि हम ये एंड्रॉइड मोबाइल है इसमें ऐसे ही होता है कि हम एक बटन दबाते हैं और मतलब की चीजें हमारे सामने आ जाती है इन्फॉर्मेशन जो भी वट तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी यही कहते हैं कि जल्दी जल्दी से हो जाए लेकिन जो तालीम है जो एजुकेशन है एक तो इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्टिंग नहीं।, नहीं है बहुत ही बोरिंग सिस्टम है बहुत ही बोरिंग सिलेबस uh, बनाए गए फिर उसके अलावा जो पढ़ाने वाले हैं वो भी इंगेजिंग टीचर्स नहीं है नहीं। बहुत ही कम टीचर्स होते हैं जो स्टडीज में बच्चों को इंगेज करते हैं अब बच्चे जब बोर महसूस करते हैं तो वो उनका फिर दिल नहीं लगता पढ़ाई के अंदर बच्चों का दिल लगाने के लिए हमें

कि यहाँ बैठ के मैं इंग्लैंड में तो आदमी से कनेक्ट हो जाऊँ लेकिन जो मेरे घर में बैठा हुआ आदमी उससे जरूरी नहीं है अच्छा बात बिल्कुल ठीक कही आपने ऐसा ही होता है कि जो हमारी फैमिली में मौजूद लोग हैं हमारे पास

तो हालांकि वो इतनी डिंजरस प्रोग्राम नहीं थे थोड़ा बहुत भी अगर कोई ऐसा रिस्क होता था कि जिसमें बच्चा इस मूवी को देखने से पहले ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं है किसी का ये विदाउट कंट्रोल है और इसको बच्चा कहीं भी किसी जगह पे भी जाके इस्तेमाल कर सकता है नॉट द चाइल्ड दे

पहले जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता था एक मैसेज टाइप सा आता था, आप उसको टाइप कर देते हैं हमारा हार्ड वायर है, है कि वो इंसानों की आवाज को सुनना पसंद करता है टॉकिंग पसंद है हुँ. ये उससे क्या होता है जब दो आदमी बात कर रहे होते मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो जब दो एंगेज होकर लोग बात करते हैं तो हमारी आंखों में से केमिकल रिलीज होता है

तो शाम में काम करके आग लगती थी सर्दियों के मौसम में सारे बैठते थे बड़े कहानियां सुनाते थे अच्छा, तो उससे बहुत आ, सारे दिन की थकावट उतर तो जाती थी अच्छा इस किस्म की गैदरिंग से वाकई ना इंसान पे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है जी जी अभी आप देखें कि लोगों की गैदरिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है जी जी। लोगों का मिलना मिलाना बहुत कम हो गया है क्या करते हैं जो स्काइप ऑन करते हैं सारे जो है ना वो उसी पे बैठ जाते हैं जी जी अगर हम तो बैठा करते थे गपशप किया करते थे बाकायदा हाँ हुआ करती थी जो. बैठ के लोग जो है, वो सारी गपशप किया करते थे खैर मैं जो अपने टॉपिक की तरफ वापस आऊंगी मुझे ये बताएं इस्लाम साहब की जितना भी हमारे पास अभी सोशल मीडिया चल रहा है तो इसमें बच्चों के लिए कितना हेल्प आउट है कितना इनके लिए अच्छा है यहाँ पर जो मीडिया में बच्चे आ, आके इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया गूगल इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे टॉपिक उनको बने बनाए मिल जाते हैं एक तो वहां भी ऑलरेडी हमारा तालीमी सिस्टम ऐसा है कि क्रिएटिविटी नहीं है। तो अब जो बच्चा है जब जब तक बच्चा खुद जवाब नहीं बनाएगा चैप्टर को गो थ्रो नहीं करेगा खुद यानी कि लर्निंग का जो प्रोसेस से वो नहीं गुजरेगा लर्निंग प्रोसेस से मुराद है कि वाली सिचुएशन होती है। बच्चा डीप जाएगा, पढ़ेगा उसके आंसर्स तैयार करेगा, फिर करके उसके करेगा तो वो वो आंसर्स होंगे वो कभी नहीं भूलेगा जिसमें वो सीखेगा अब वहां स्कूल में टीचर ने असाइनमेंट दे दिया यहाँ पे गूगल पे गए असाइनमेंट पढ़ा उठा के कट पेस्ट कर दिया तो क्या बच्चे ने सीखा मुझे बताएं। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ गूगल ने जिंदगी बहुत ज्यादा जहाँ आसान की है वहाँ चीजें बहुत ज्यादा बिगाड़ भी दी है इस बिगाड़ पे दोबारा बात करूंगी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ ब्रेक के बाद वापस आते है अपने गुफ्तों को यहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे सो स्टे विद कोमल वेलकम बैक जी टाइम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद हम बात कर रहे थे थोड़ा सा एजुकेशन पे एजुकेशनिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, असलम साहब लाइफ कोच भी हैं और बड़ी अच्छी गपशप चल रही थी अच्छा हम बात कर रहे थे बच्चों के असाइनमेंट पे जो उनको दिए जाते हैं लाइफ इतनी ज्यादा आसान हो गई है कि बच्चे पढ़ने के बजाय वो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं ठीक है गूगल ने हमारी जिंदगी बड़ी आसान कर दी है हमारा तो बस नहीं चल रहा कि हमारे किचन में अगर कुछ गुम हो गया ना तो हम ऊपर दीवार पे लिख के सर्च तो वो चीज वापस आ जाए इस किस्म का हो गया सिस्टम हमारे पास खैर हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से तो इसमें गूगल ने बहुत ज्यादा चीजें आसान की है तो वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी पैदा हुई हुई है ना तो हम क्या समझते हैं कि बच्चे जो है वो अपना होमवर्क लेकर आते हैं वो आके उन्होंने गूगल से देखा तो इस तरह से हमारे बच्चे क्या सीखेंगे क्या आएगा उन्हें देखिए एजुकेशन जो है वो क्रिएटिविटी का नाम है एजुकेशन जो है वो ये है कि आप डिस्कवर करें चीजें आप कुछ इसमें से एक्सप्लोर करें चीजें डिस्कवर करें एक्सप्लोर करें और लेकिन बात यह है कि अब अगर तो कोई वाकई कोई रिसर्च का टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स चाहिए वो रिसर्च के भी कुछ मेथड है मेथोडोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को रिसर्च करना भी नहीं आती कुछ जर्नल्स रिसर्च जर्नल्स हैं आपने वहां से इन्फॉर्मेशन लेनी है चलो फिर तो इट्स ओके लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि जो चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज है जो कि हमारे यानी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं जवाब होते हैं सबसे बेस्ट तो ये खुद क्वेश्चन निकालें। खुद निकालें। खुद को आ, आ, लिखना सीखें खुद जब वो लिखेंगे जब चीजें उनकी विकैबरी में इजाफा होगा उनके राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगे उनको कॉन्फिडेंस होगा सिचुएशन होती है एजुकेशन में ना बच्चों में कॉन्फिडेंस का लेवल भी बहुत कम होता है बाहर अब आप देखिए कि हमारे पास स्कूल में या कॉलेजेस में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े लाइक तो होते हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं होता है, जितना होना चाहिए तो मुझे जरा ये बताए कि हम बच्चों का अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई अप कर सकते हैं कैसे उनको सिखा सकते हैं देखिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए हमें तो बच्चों को सबसे पहले कहना पड़ेगा यू कैन डू इट जो बच्चे अपने साथ सेल्फ टॉक करते हैं हर आदमी अपने साथ सेल्फ टॉक करता है अच्छा इसका भी कोई एक पॉइंट है ऐसा कोई ये अच्छे में है या बुरे में है देखिए इसके ऊपर अब तो खैर बहुत ही ज्यादा इस पे काम हो रहा है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर इवन द बेस्ट टॉक दैट यू हैव सबसे बेहतर जो बात आप करते हैं दूसरों के साथ तो करते हैं एक बोझ हम अल्लाह से करते हैं वो तो सुप्रीम बात होती है बिल्कुल लेकिन उसके अलावा जो हम तनाही में अपने साथ बात करते हैं हम कहते हैं नहीं यार आई कैन डू इट आई कांट डू इट हमें बच्चों को अब आके बता यानी कि मोटिवेट करना पड़ेगा कि यस यू कैन यू कैन डू एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड और आप अगर बच्चा शीशे के सामने खड़े हो होके और माँ बाप उसको अप्रिशिएट करें कोई भी टॉपिक और उससे रिहर्सल करवाएं और उसको थम्स अप यू यू हैव डन गुड जॉब आर प्रोग्रेसिंग तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम ये कहें कि नहीं आपने फियर से नहीं डरना जैसे मैं एनिमीज ऑफ सक्सेस की बात कर रहा था फियर भी बहुत बड़ा एनिमी है अच्छा बहुत सारे लोगों को ना काफी चीजों के फेयर होते हैं जिसको हम क्या क्या कहते हैं आ, काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें का होता है वाटर का होता है ये ये सारी चीजें भी आती हैं इसी चीज के अंदर की इंसान का जो वो कॉन्फिडेंस लेवल वो नीचे चला जाता है देखिए जो नेचुरली जो रिसर्च ये बताती है कि दो तरह के फियर हमारे पास होते हैं जब बच्चा पैदा होता है एक तो गिरने का डर और एक फियर ऑफ ज्यादा शोर का जो उससे बच्चा डरता है

जाके सिचुएशन होती भी नहीं है वो करके अपने आप को टॉर्चर दे हैं। <laughs> इतनी अच्छा। खतरनाक बात है इस लोगों के लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग पे काम कराने की जरूरत है तो जो जो डर है वो कहीं नहीं रहता उसका एक ही घर हमारा दिमाग है इससे हमें निकालना पड़ेगा बच्चों के डर को बच्चों को ये कहना पड़ेगा कि एम्ब्रेस फेलियर्स बच्चे फेलियर से डरते हैं इसीलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता अच्छा अभी आपने एक बात की कि सेल्फ टॉकिंग जब हम कर रहे होते हैं अच्छा ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इनफैक्ट मेरी खुद की आदत है मैं बहुत ज्यादा सेल्फ टॉकिंग करती बात करती बात अक्सर जब हम कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना तो हम बात करते हैं खुद से तो ये क्या हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है देखें ये जो इंसिस्टेंट वॉइस होती है आपके पीछे जो आप अपने आप से बात करते रहते हैं ये नेचुरल है ये कोई खराबी नहीं है सभी करते हैं कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता कि जो अपने आप से बात ना करता हो ये तो चलता, ही रहता है, चलता ही रहता है ये तो नॉन स्टॉप टॉकिंग है जो की uh, आप आप इसको तो ये तो कभी बंद भी नहीं होगी अच्छा हमारी जो ना, वो क्या कहती है क्या मेरी एक है बड़ी अच्छी सी काम करने वाली बच्ची ना तो उसकी बहुत आदत है वो ज्यादा बड़ी नहीं है छोटी सी है तो वो जब अक्सर काम रही होती है ना तो वो साथ में ना बोलती रहती है तो हमारी अम्मा उनसे ये कहती है कि जी मुझे तो लगता है ये बच्ची बावली है खुद से बहुत बातें करती है तो वो अपनी हर चीज खुद से शेयर कर रही होती है क्योंकि आसपास तो उसके कोई होता नहीं है तो हम इस कॉन्सेप्ट को वहां भी ले जाते हैं ना कि यार ये बंदा पागल होता जा रहा है या इसका मेंटल जो है ना वो चीजें चेंज होती जा रही है तो ये अक्सर बच्चों की भी आदत होती है वो भी करते हैं खुद से खुद कलामी कहते हैं इसको उर्दू में शायद जी जी सोलडकी कहते हैं देखें ये जो इमेजिनेशन है ये आपकी पावर है बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊँ मैं सीक्रेट ये सिख uh, सीक्रेट की तलाश में था बहुत सारे चीज मेरी जिंदगी का एक मकसद ही यही है कि मैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को बताऊं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो बड़े बड़े एथलीट्स थे उनकी कामयाबी का राज ये पता चला कि वो लोग इमेजिनेशन के अंदर जाके प्रैक्टिस करके okay. पूरे के पूरे मैच खेल के पूरी की पूरी बॉलों की वेरिएशन करके वापस आ जाते हैं वेरी गुड और ये जो इमेजिनेशन आपकी होती है ये ये बहुत पावरफुल चीज है ये तो पावर है आपकी अगर आपके इंसान इन, की जो जो हमारी जो बेसिकली जो ब्रेन की लैंग्वेज है वो इमेजिनेशन है हमारा जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन की लैंग्वेज समझता है अच्छा तो एक सेंस में चले जाते हैं आप ये समझने हैं जो इमेजिनेशन है वो बड़ी अच्छी थॉट है ये होनी चाहिए इसके बगैर तो इंसान खत्म हो जाएगा अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते सोच है ना देखे ना कोई भी लेकिन हम कभी ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा की तो उस, अब आपको वो जो आपका ब्रेन है हुँ. जैसे कंप्यूटर है कंप्यूटर में हम कोशिश करते हैं कि वायरस ना जाए अनफॉर्चुनेटली कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो हमारा दिमाग है इसमें कितने वायरस पड़े हुए कितने इसके अंदर खराब चीजें इन्हें में साफ करनी चाहिए इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे हमारे जो लोग भी हैं किसी के में भी कोई थॉट है किसी के बारे में भी बुराई है कोई भी गुस्सा है कुछ भी किसी के बारे में दुश्मनी है अगले बंदे को इसका नुकसान हो नहीं हो लेकिन आपको जरूर इसका नुकसान होगा तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए कीप योर हार्ट क्रिस्टीन क्लीन कीप योर माइंड क्लीन और अगर आप बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे पॉजिटिव रहेंगे नहीं। तो इसमें आपका बहुत फायदा होगा इवन एक रिसर्च में ये पता चला कि अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन है आपका कोई में आप फंस गए और उसके अंदर अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो पैंतीस से चालीस परसेंट आपके पास बेटर चांस है कि उस सिचुएशन से आप विन करके निकले आपकी पावर है जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार भी इसी थॉट की वजह से होते हैं कि नेगेटिव पॉइंट में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं डिप्रेशन की भी वजह ये होती है कि एक तो वजह ये है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं चीजों को हुँ. जब हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से कम होती है हुँ. अच्छा रियलिटी कुछ और होती है और एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं जब इसका गैप बढ़ता है तो हम परेशान हो जाते हैं हुँ. उसके लिए भी यही है कि आप कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें ओके होप फॉर द बेस्ट बट गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द वर्स्ट देखिये जिंदगी में ऐसा ही होता है इवन आप देखें बड़ी बड़ी बरातें जा रही होती हैं एक्सीडेंट हो जाता है तो चीजें जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है जैसे इस लम्हे के बाद हम अगले लम्हे का कंट्रोल हमारे पास नहीं है अल्लाह के पास है हमें भी पता क्या होने वाला है exactly. तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर आप एनर्जी क्यों वेस्ट कर सकते हैं जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पे एनर्जी वेस्ट करें उस उस चीज को आपको लेना चाहिए वो क्या कर सकते हैं पॉजिटिव सोच सकते हैं वी हैव गॉट अ वेरी मच गुड चांस ऑफ थिंकिंग थिंकिंग पॉजिटिव पॉजिटिव आर यू नॉट बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जी उसमें भी उनका भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों की तरफ के उनके जो थॉट हैं वो नेगेटिव की तरफ, की तरफ तरफ पॉजिटिव लेकर आए देखिए यही अब, अब, अब पेरेंट्स को मैं ये कहता हूँ इस सदी के दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसकी तरफ लोग नहीं जा रहे हैं एक साइकोलॉजी और एक फिलासफी साइकोलॉजी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो डिप्रेशन है

घर पे खाना खाएंगे उसके बाद ट्यूशन पे चले जाएंगे ट्यूशन से वापस आएंगे तो आ, स्कूल कॉलेज वर्क करना शुरू कर देंगे हुँ. तो इतना ज्यादा हमने एक तो बोरिंग है पूरे की पूरी तालीम ऊपर से बच्चों को ऊपर इतना हमने प्रेशर डाल दिया है हुँ. उसके अलावा और भी प्रॉब्लम है ठीक है हुँ. तो इसकी वजह से बच्चे प्रेशर में चले गए और प्रेशर भी होता है कि आपने बहुत अच्छे नंबर लेके आना है फेल नहीं होना अच्छा आप क्या समझते कि बच्चों का जो शेड्यूल है वो जो बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है तो इसको किस तरह से हम उनको रिलीफ कैसे दे सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास टाइम भी तो कम होता है ना बच्चों ने ट्यूशन भी जाना है स्कूल भी जाना है मदरसे भी जाना है सारी चीजें करनी है उन्होंने इसका जो आ, मेरे जो मेरे ख्याल से तरीका कार ये है कि हमें पीरियड्स कम करने पड़ेंगे स्कूल का टाइम कम करना पड़ेगा और कुछ कोर्सेज हमें कम करने पड़ेंगे सब कैसे हम उसको कम कर सकते हैं बच्चे अगर आप एक कैलकुलेशन के हिसाब से देख लें सात बजे जाते हैं बारह साढ़े बारह एक बजे तक बच्चे घर आ जाते हैं अब दो, तीन सब्जेक्ट्स, हर रोज पढ़ाएं। नहीं। हम सब्जेक्ट्स को तीन पीरियड पीरियड से ज्यादा ना लें बच्चों हुँ। के हुँ। बाकी खेलने के लिए बच्चों को टाइम दे दें तो बेसिकली देखें जितनी भी तालीम है एजुकेशन है हम आठवीं क्लास तक क्या करते हैं क्या हम हासिल करते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा लिखना आ जाए

तीन स्किल्स हैं जिनका कॉम्पिनेशन बहुत जरूरी है बहुत ही ज्यादा आप कामयाब हो सकते हैं एक तो होता है राइटिंग और राइटिंग और से मुराद मैं राइटिंग नहीं कर रहा राइटिंग राइटिंग से मुराद है कि राइटिंग। कि क्रिएटिव जिसके अंदर जो जो भी अल्फाज आप लिखे आप से कुछ लिखने का स्टार्ट करें। खुद से उसके अंदर अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए अच्छे वर्ड्स होने चाहिए अच्छा मैसेज होना चाहिए उसके अंदर पावरफुल मैसेज होना चाहिए फिर बच्चों को यह पता होना चाहिए मैंने कहानी कैसे स्टार्ट करनी है कैसे एंड करनी है दूसरी बात बच्चों को सोचना सोचने पे भी कहीं पे भी काम नहीं कर रहा अगर हमारे बच्चे लिखना जानते हैं सोचने सोचना जानते हैं कि हाउ हाउ टू टू थिंक थिंक अ वंडरफुल क्योंकि इस एज की जो करेंसी है वो आइडियाज है आइडियाज पे कहीं भी काम नहीं हो रहा सोच भी नहीं पता लोगों को कि सोच क्या है अच्छा, तो हमें बच्चों के आइडियाज किस तरह से हम उनसे ले सकते हैं या हमें और ऐसी किस किस्म की एक्टिविटीज देनी चाहिए कि वो सोचें

मुझे इसका एंड बदल के दो हुँ. मैं इस तरह से करता अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सिचुएशंस बंदा दे जिसके अंदर बच्चों का दिमाग इन्वॉल्व हो मेंटली फिजिकली बच्चे इन्वॉल्व हो इमोशनली इन्वॉल्व हो हुँ. इस तरह की एक्टिविटीज होती नहीं है हुँ. जैसे आ, जैसे स्केचिंग है जैसे ड्राइंग है हुँ. ऐसे और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं अच्छा अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें ना तो वहां आप सख्ती नहीं है, है बेस्ड करती है तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है हम बच्चों को इतना थका क्यों देते हैं इतना ज्यादा बढ़ बच्चा जो है ना इतना बड़ा बैग लेके वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है वो बच्चा बैग संभालेगा खुद को संभालेगा ये पढ़ेगा देखिए साइंस से ये पता चलता है

वेलकम बैक जी टी टाइम विद कोमल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद अच्छा हम बात कर रहे थे कि बच्चों के आइडियाज पे हमारे साथ असलम साहब मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं जी और सिक्सेक्स गुरु भी हैं।

डिस्कवर करना पड़ेगा देखें एक एक साइंटिस्ट है गार्डनर के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी द फ्रेम्स ऑफ माइंड और जिसको कहते हैं मल्टी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अब जाके ये पता चला है कि हर आदमी के पास अलग किस्म की इंटेलिजेंस होती है हमारा बच्चा समटाइम्स हम ये, ये चाहते हैं हमारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये भी है हम डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं बच्चों को हालांकि हमारे बच्चे किसी और चीज में अच्छे होते हैं

दिल से इमर्स होके करता है आप उसके अंदर जो एनर्जीज का मैंने जिक्र किया कि बच्चा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएगा फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएगा और स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो जाएगा स्पिरिचुअल से मुराद है कि उसका गोल क्लियर होगा उसको मकसद पता होगा कि मैंने क्या करना है तो जब बच्चा मेंटली मेंटली से ये मुराद है कि बच्चे का जो फोकस है वो लेजर लाइक होगा बिल्कुल फोकस होके वो काम करेगा वो वो ऐसे माइंड में चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा काम कर रहा है इतना इमर्स होके इतना मगन होके वो काम करेगा अच्छा जब जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां जिसको कहते हैं फ्लो जब मेंटल फ्लो में आप जाते हैं फिर वहां से आप चीजें क्रिएट करते हैं वहां से आप ऐसी चीजें करते हैं कि आपका दिमाग फिर कहीं और चला जाता है फिर आपको पता चलता है कि नहीं मैं तो मैं तो और भी आगे जा सकता हूं जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें क्रिएट हुई हैं, जो भी लोग जिन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया है जो चीज आज हम सोच भी नहीं सकते वो बनी है वो इसी तरह से बनी है कि वो फ्लो माइंड में चले गए वो इमर्स हो गए करते रहे करते रहे करते रहे अब वहां पर जो ये ये वो माइंड होता है जिसके अंदर फेलियर कोई मैटर नहीं करता टाइम मैटर नहीं करता नहीं। इसके अंदर थकावट मैटर नहीं करती

जहां पे लोग बोर हो रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं अपनी ध्यान से काम नहीं कर रहे ताकि उनको खुश लोग होंगे जिनको, मैं, मैं आ, या speakers, जिनको ये फन आता होगा कि लोगों को किस तरह से एंगेज कर, कराया जाए काम में। उनके कामों को कैसे इंटरेस्टिंग करवाया जाए और किस तरह से लोगों को डिप्रेशन से बाहर किया जाए तो अगर और ये फ्यूचर है बिल्कुल है फ्यूचर में लोगों को ऐसे लोग क्योंकि अब देखें बहुत सारी कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा पैसे देती हैं लोगों को हायर करने में लेकिन लोग ध्यान से काम नहीं कर रहे होते हुँ. क्योंकि लोगों को पसंद नहीं होता हुँ. तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इंक्रीज होगी ये जो हमारा सोशल कैपिटल अटेंशन जो इतना ज्यादा और ये इसकी इसकी जो कॉस्ट है वो बिलियंस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये कोई छोटी चीज नहीं है हुँ. आप हर दूसरा आदमी वो काम कर रहा है जिसको वो पसंद नहीं है घर से वो ऐसे जा, जा, जा रहा था रहा रहा नहीं नहीं यही, यही वजह है, अब, अब है लोग इस चीज पे यार, किस तरह से लोगों को एंगेज किया जाए लोग ऑफिस में बैठे हुए लेकिन दिल से काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है कि लोगों के अंदर क्वालिटी कुछ और है काम कुछ और कर रहे हैं टैलेंट कुछ और है मगर वो काम कुछ और कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अटेंशन डेफिसिट लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं वो इसी वजह से तो आप फ्यूचर बिल्कुल ही अलग किस्म का है फ्यूचर में तो अब आपको बहुत सारे तजर्बे करने पड़ेंगे अब आपको शायद हैप्पीनेस ऑफिसर्स भी रखने पड़े मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से ये आइडिया दे रहा हूँ कि आप जाके कंपनीज को आ, ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी कि जो लोगों को मोटिवेट करें क्योंकि हर आदमी डिप्रेशन में बिल्कुल जो बंदा डिप्रेस्ड होगा वो ऑफिस में बैठा हुआ कभी भी अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे सकता अपना बेस्ट वर्जन नहीं दे सकता जी डिप्रेशन अब तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है आप अगर किसी किसी बड़े को देखें वो आपको डिप्रेशन का शिकार नज़र आएगा आप बच्चों को देखें तो वो अपनी तालीम की वजह से डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेस्ड करती हैं आपके माइंड पर आपके डिप्रेशन पर और इसकी वजह ये होती है कि जो हम करना चाहते हैं बेसिकली हम वो नहीं कर रहे होते हैं ठीक है और जो हम करना चाहते हैं वो करने का हमारे पास वे नहीं होता तरीके का मालूम नहीं होता या कभी ऐसा होता है कि वो चीज हमारे पास होती तो है हमें पता नहीं होता कि हमें उसको अप्लाई कैसे करना है उसकी तरफ हमने बढ़ना कैसे जाना कैसे है खैर ये सारी बातें तो आपने की कि जी वहाँ अपने माइंड थाट को किस तरह से सेट किया जाए या हम किस तरह से डिप्रेशन से जो है वो निकल सकते हैं दूसरों आ, आ, को भी निकाल सकते हैं एक आसान सा तरीका डिप्रेशन से निकालने का ये भी है कि जी आप जब देख रहे हैं ना कि आप किसी बहुत ही डीप चीज में जा रहे हैं तो आप चाहिए कि आप किसी अच्छे से गैदरिंग में चले जाएँ

अगर आप बोर हो रहे हैं अगर आप डिप्रेशन में तो सारी एनर्जी तो आपकी जो है वो जा रही है उसके अंदर नेगेटिविटी में जा रही है बजाय के आप प्रोडक्टिव कोई परफॉर्मेंस दे सके तो अब इस चीज की जरूरत है कि लोगों को बताया जाए कि जैसे एजेस के अंदर लोग इंगेज होते थे एक दूसरे की बात सुनते थे देखे ना सिर्फ बात सुनने से ही हम अगर एक दूसरे की बात ही एम्पति के साथ सुन लें दिल से सुन लें उससे भी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं लेकिन लोग बात ही नहीं सुन रहे

Uh, आप लोग कुरान पढ़ें कुरान को समझ के पढ़ें उससे भी आपका अंदर एनर्जी बढ़ेगी जो भी काम करते हैं जो जो भी आप करियर सेलेक्ट करते हैं जिसको आप समझते हैं कि आपका दिल उसके अंदर है आपका पैशन है उसको सिलेक्ट करें और मेहनत से घबराए ना कम्फर्ट जोन छोड़ें नमाज पढ़ें बड़ों का अदब करें और जो कामयाबी का राज वो ये है कि पहली दफ़ा कोई भी कामयाब नहीं होता कोई भी एक्सरसाइज़ कोई भी प्रोजेक्ट करने बैठते हैं आप उसमें शुरू में ज़रूर आप फेल होंगे तो फेलियर से घबराए ना फेलियर्स को एम्ब्रेस ब्रेस करें और ताला कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके अगर करेंगे आप डूइंग लेस, लेस, वन डे बिकम्स मोर और ताला यू विल गेट सक्सेस बिल्कुल जी ऐसा ऐसा आप मेहनत करते रहें जद्दोजहद जद्दोजहद करते रहें तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं मकाम पे पहुंचने के लिए आपको सही वे का पता होना बहुत ज़रूरी है सही एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है सही मालूम होना बहुत ज़रूरी है यकीन आज के मेरे एपिसोड में आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पता चला ही होगा कि जो लाइफ कोच हैं जो एजुकेशनल को कोच है हमारे पास वो हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो हमें बताते हैं कि जी एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए किस वे में हमें आगे बढ़ना चाहिए लेकिन आपको इस बड़ा फायदा भी होगा क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आया और मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ जब हमें हाँ नई चीजें सुनने को मिलती है समझने को तो बड़ा अच्छा लगता है किरण आपको भी अच्छा लगा होगा नेक्स्ट टाइम आपको किसी और अच्छे से मेहमान से मिलवाऊंगी किसी अच्छे से टॉपिक पर बात करेंगे विद गपशप और टी टाइम के तो नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़